रामायण में एक चौपाई है, प्रभीसी नगर कीजे सबका जा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। यानी कि अयोध्या के राजा का मनन करते हुए अगर कोई काम किया जाए तो सब कुछ अच्छे से पूरा होता है। ये चौपाई आज सच साबित हो चुकी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 27 साल 3 महीने और 20 दिनों तक अयोध्या के राजा राम को टेंट में रहना पड़ा था। इस टेंट की सफाई तक के लिए साधु संतों को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलता था तब कहीं जाकर फटे पुराने गंदे मटमैले टेंट को बदला जाता था। यहां तक कि साल में सिर्फ एक बार भगवान राम के कपड़े मिला करते थे। लेकिन अब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, इसलिए मैंने कहा प्रभीसी नगर कीजे सबका जा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। तो चलिए आपको इस वीडियो में 27 साल 3 महीने और 20 दिनों तक रामलला के टेंट में रहने की कहानी बताते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे 14 साल जंगल में वनवास काटने के बाद रामलला को अपनी ही अयोध्या में टेंट के नीचे रातें गुजारनी पड़ी। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। 6 दिसंबर साल 1992, इस दिन की घटना हम सभी को याद है। कैसे कैसे कार सेवा करने अयोध्या पहुंचे, और हजारों राम भक्तों ने एकाएक बाबरी मस्जिद का रुख कर लिया था और वहां पहुंचकर ढांचे को गिरा दिया। उस दिन कार सेवकों की मंशा कुछ और ही थी। वो लोग अपने साथ भगवान राम की बाल रूप की एक मूर्ति लेकर आए थे। कार सेवकों ने पहले ढांचा गिराया, फिर वहां भगवा लहरा कर चबूतरे के पास रामलला की स्थापना कर दी, और इसी के साथ रामलला वहां विराजमान हो चुके थे। लेकिन राम जन्म स्थान का मामला कोर्ट में था। कोर्ट ने उस जगह पर ताला लगवाया था। कोर्ट के आदेश के खिलाफ कार सेवक बाबरी में घुसे थे। ऐसे में उस वक्त की मुलायम सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। जन्म स्थान पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और वहां दोबारा ताला लगवा दिया गया। खुले में विराजमान रामलला के छत पर एक अस्थायी टेंट लगवा दिया गया था। राम मंदिर के महंत सत्येंद्र दास ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में उस दौरान की जद्दोजहद को याद किया। महंत सत्येंद्र दास ने बताया कि जब राम जन्म स्थान का मामला कोर्ट में लंबित था, तब रामलला के लिए भोज राग मांगा जाता था तो प्रशासन हमें काफी कम भोज राग उपलब्ध कराता था। यहाँ तक कि रामलला के लिए कपड़े भी हमें सिर्फ रामनवमी पर दिए जाते थे। सबसे बुरा हमें तब लगता था जब बारिश में मंदिर के ऊपर लगा तिरपाल फट जाता था, और उसे बदलवाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ती थी। कई बार ऐसा हुआ कि बारिश का पानी भीतर घुस जाता था और रामलला के कपड़े तक भीग जाते थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1857 को जब पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और अवध से नवाबी शासन खत्म हुआ, तो कुछ हिंदुओं ने उसी वक्त मिलकर बाबरी मस्जिद के बाहरी हिस्से पर एक चबूतरा बनाया और वहां पर भगवान राम की पूजा करने लगे। ऐसे में 30 नवंबर साल 1858 को पहली बार इसकी शिकायत मस्जिद के कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने की थी। 27 साल बाद 9 जनवरी 1885 को पहली बार ये मामला कोर्ट पहुंचा, क्योंकि निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने उसी चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर कर दिया। यानी कि 1885 को कोर्ट में चल रही ये लड़ाई खत्म हुई 9 नवंबर साल 2019 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और यहां राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद ही रामलला टेंट से बाहर नहीं निकाले गए। कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने वही जन्म स्थान परिसर में एक अस्थायी मंदिर का निर्माण कराना शुरू कर दिया, और फिर 27 साल 3 महीने और 20 दिन के बाद 25 मार्च साल 2020 सुबह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला को गोद में उठाया और टेंट से निकालकर रामलला के लिए बने अस्थायी मंदिर में उन्हें विराजमान कर दिया। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी, बाबरी मस्जिद के टूटने से पहले उस वक्त के बीजेपी के संगठन महासचिव रहे नरेंद्र मोदी एकता यात्रा लेकर अयोध्या पहुंचे थे। उस वक्त अयोध्या के मशहूर फोटो जर्नलिस्ट महेंद्र त्रिपाठी ने एक बार बताया था कि जब 14 जनवरी साल 1991 को पहली बार मोदी ने ताले के अंदर बंद रामलला के दर्शन किए, तो उन्होंने उसी दौरान प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक रामलला मंदिर में विराजमान नहीं हो जाते, तब तक वो रामलला के दर्शन नहीं करेंगे। जब महेंद्र त्रिपाठी ने उनसे जन्मस्थान परिसर के अंदर पूछा कि आप दोबारा कब आएंगे, तो मोदी ने कहा था, मैं अब तब आऊंगा जब यहां राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। महेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक पीएम मोदी ने 29 सालों तक अपनी प्रतिज्ञा निभाई।
इन 29 सालों में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने और देश के प्रधानमंत्री भी, और कई बार वो अयोध्या आए, लेकिन उन्होंने कभी भी इन 29 सालों में राम जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए। साल 2019 को राम मंदिर पर फैसला आने के बाद 25 मार्च 2020 को जब रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया, उसके 5 महीने बाद 5 अगस्त साल 2020 को मोदी अयोध्या पहुंचे और 29 साल बाद पहली बार रामलला के दर्शन किए। तो ये थी राम मंदिर के 27 साल 3 महीने और 20 दिनों तक टेंट में रहने की पूरी कहानी। साथ ही आपको ये भी बताया कि कैसे रामलला को ताले में देखकर नरेंद्र मोदी ने मंदिर बनने तक दर्शन ना करने की प्रतिज्ञा उठाई थी, लेकिन अब भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अब रामलला न ही किसी टेंट में और न ही किसी अस्थाई मंदिर में रहेंगे, अब उनके लिए स्वर्ण जड़ित दरवाजों से सजा हुआ विशाल मंदिर बनकर तैयार है। इतिहास के पन्ने पलट कर हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर आते रहेंगे। इससे रूबरू होने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।